पहले एक तस्वीर जरा दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग धोनी के फैन हैं। आज झारखंड में भी मतदान हो रहा है और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी, आप देख सकते हैं रांची में उनका पोलिंग बूथ था, जहां पर पहुंचे तो भीड़ और मीडिया की भीड़ किस तरह से दिखाई दी है, वो तस्वीरें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर मीडिया वाले हैं, पूरी गैलरी भरी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में पोलिंग बूथ पहुंचकर वहां पर अपना मतदान किया। झारखंड में भी आज मतदान हो रहा है और महेंद्र सिंह पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सचिन, आपने सौरभ जी की बात भी सुनी और आनंद दुबे जी की बात की, उन्होंने कहा, उनका कहना था, जैसे आनंद दुबे जी कह रहे थे कि देखिए भाई आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको कि बीजेपी ने उठाया कि आपने मुस्लिम को ओबीसी में डाल के आरक्षण देने की बात कह दी है। सौरभ कह रहे हैं जो काम देगा, जो काम करके देगा, जो डिलीवर करेगा, उसी को मत मिलेंगे। तो आपको लगता है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं जा रही है, और जहां पर काम होगा, क्योंकि विकास की बात हमेशा बीजेपी कर रही है, उस विकास को लेकर ही वो दम भरती है कि मतदान हमारे पक्ष में ही होगा और सीट हमें ही ज्यादा मिलेगी। देखिए नीलू जी, दो बातें हैं। पहली बात, मैं सौरभ जी को जवाब देना चाहूंगा कि सौरभ जी से मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहनकर कि वो ना बैठे, क्योंकि उनको राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी की जनसभाएं, रैलियों में अपार जो भीड़ आ रही वो नहीं दिख रही है। हो सकता है परिस्थितियां होती हैं, चाटुकारिता करनी पड़ती है इस दौर में भी, लेकिन मैं आनंद दुबे जी का जवाब ये देना चाहूंगा कि आनंद दुबे जी, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पर है, मैं अभी मैनिफेस्टो अपना भेज रहा हूं, और नीलू जी आपके भी व्हाट्सएप पे मैं मैनिफेस्टो कांग्रेस का भेज रहा हूं। मैंने पढ़ा है, कहीं पर भी मुस्लिमों की आरक्षण की बात नहीं लिखी है, और मैं कह सकता हूं ये से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रामक इसको रूप दिया, प्रधानमंत्री जी ने भ्रामक रूप दिया, मुख्यमंत्री जी ने भ्रामक रूप दिया, क्योंकि इनके पास 10 साल में कोई काम ही नहीं किया तो बताएंगे क्या। ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का काम पता है किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि उनको दुबई का, सऊदी अरब का वीजा दे करके यहां से भेजते थे, वो वहां पे सशक्त होते थे, और यहां आकर के जो हमारे दलित भाई थे, ओबीसी भाई थे, उनकी जमीन खरीदते थे। तो ये मुस्लिमों का जो प्रेम है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आनंद जी से पहले, आनंद जी पहले आनंद जी जल्दी ब्रेक लेने का वक्त है, आनंद जी बताएं, भारतीय जनता पार्टी सचिन रावत जी का जवाब देंगे आप। देखिए नीलू, ये तो पूरी तरह से कंफ्यूजन को समझ में नहीं आ रहा क्या, ये इन्होंने सही बात कही, हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया, हिंदुओं के लिए भी किया, मुसलमानों के लिए भी किया, लेकिन आपकी हकीकत तो ये है कि सच्चर कमेटी बनाई, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर, सुन लीजिए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर आपने 2012 में 4.5% रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों को देने का, अब कहा ये जा रहा है कि ब्रेक लेने का वक्त हो चला है, आप लोगों से बातचीत हमारी होती रहेगी, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज छठे चरण का मतदान हो रहा है, 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मत डाले जा रहे हैं, और उस वक्त हम आपको बताते हैं कि अब तक 11 बजे के आंकड़े बता दी जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है, 25% के आसपास अब तक वोटिंग हुई है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जय शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में हम ये मान के चले कि इजाफा होगा। और हम आपको दिखा रहे हैं वीवीआईपी वोटर्स जिन्होंने आज अपना मतदान किया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और प्रियंका गांधी के बेटे भी अब एलिजिबल हो गए हैं वोट डालने के लिए। तो चुनाव की तस्वीरें गांधी परिवार की, जहां पर सभी ने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, और ये छठे चरण के मतदान की वो तस्वीरें जहां पर बाकी वीवीआईपीज ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। विदेश मंत्री, बीजेपी उम्मीदवार एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, वहीं पर अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वीरेंद्र सचदेवा, गौतम गंभीर, नायब सिंह, इसके अलावा अगर बीजेपी उम्मीदवार की बात की जाए, मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला, हिना खान, रविंदर जैन, बीजेपी के बीजेडी के नेता हैं बीके पांड्यान, उन्होंने भी आतिशी ने वोट किया है, गोविंद राम ने वोट किया है जो कि केजरीवाल के पिता हैं, उन्होंने भी वोट किया है, संजय जायसवाल, हरिवंश नारायण सिंह, संजय अरोड़ा, जेपी जायसवाल, इन सब ने अलग अलग जगहों पर जाकर अपने
मतदान किया है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी मतदान किया है। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो नीली स्याही दिखाई जिससे उन्होंने मतदान के लिए एक संदेश भी दिया कि आप भी जाइए मतदान करिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन इस बार 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। किस तरह की उम्मीद देखते हैं आप इन 14 सीटों में जो छठे चरण की हैं? देखिए, जो हम लोगों छठे चरण में मुझे लगता है जिस प्रकार से मतदान बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी लग रहा है कि देना चाहिए, आना चाहिए, और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप सुबह भी देखिए, यहाँ पे युवा बहुत आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छा संकेत है। तो मेरा मानना है ये अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पिछले चुनाव में 2019 में सीटें आई थी, उससे ज्यादा सीटें इस वाले 2024 के चुनाव में आने वाली हैं। बीजेपी ने कहा था कि चार प्रकार का एक नारा दिया था, क्या वो पूरा होने जा रहा है? देखिए, 300 के पार का जो था वो हम लोग 300 पार हम लोग पांचवें चरण में कर चुके थे, और अब जो छठा और सातवां है हम 370 भी पूरा करेंगे, और 400 पार का भी जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको भी हम लोग पूरा करने वाले। लेकिन दो लड़कों की जो जोड़ी है वो कर रही है 400 पार नहीं बल्कि 400 हार। अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, आप कर सकते हैं, मगर अब अखिलेश जी की एक आदत पड़ी है कि जब वो अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे के सामने जो आईना दिखाता है उस आईने को बयान कर देते हैं आके बाहर, और वो आईना उनको दिखा रहा है 400 हार का। तो बेचारे यही बयान कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बोलूंगा तो